टुमारो इज ऑफन द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक, यानी कल अक्सर हफ्ते का मसरूफ तरीन दिन होता है। दूसरा, जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे, आप अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, वक्त का बेहतरीन इंतजाम कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट की महारत को कैसे बेहतरीन अंदाज से आप बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के 4D क्या है। अस्सलामु अलैकुम, हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। एक के बाद एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, सादा से अल्फाज टू द पॉइंट, बात ने मेरे चैनल को टॉप रैंकिंग में, ट्रेंडिंग में खड़ा कर दिया। इसकी वजह आप सब पूछ रहे हैं, आपकी निगाह है, किस तरह से अपने टाइम को महफूज करें, कहां महफूज करें। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। रिसर्च क्या कहती है, साइंस कहती है कि हम टाइम मशीन बनाएंगे। हम टाइम को आगे तो कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते। साइंस कहती है कि हम पीछे भी करें और टाइम को आगे भी करें, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। इसमें बहुत लंबी डिस्कशन है, इसको हम फिर कभी छेड़ेंगे। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा 5 टिप्स, जी हां, साइकोलॉजी टिप्स बताती है, जिससे आसानी आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। 4D टाइम के जानेंगे, जिससे हम एज इट इज टाइम को देखेंगे, टाइम है क्या, किस तरह से हम अपने वक्त को जाने, इस बारे में बात करूंगा। महफूज करें, इस बारे में बात करूंगा, किस तरह से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं पार्किंसंस लॉ की या पीट्रियोस प्रिंसिपल की, किसी भी लॉ, किसी भी थ्योरी, किसी भी प्रिंसिपल की बात करूं, सब यही कहते हैं कि टाइम को महफूज करें। इस बारे में पहले बात कर चुका हूं, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की टिप्स के बारे में। पहली टिप, हमारा अपने टाइम को जान लेना। किस तरह से जानना, क्वेश्चन करना कि मेरा टाइम इस वक्त कहाँ है, मेरा वक्त इस वक्त क्या है। नंबर 2, गोल सेट करना, कैसा गोल सेट करना। नंबर 3, प्लान करना, क्या प्लान करना। नंबर 4, एक टारगेट बना लेना, कैसे बना लेना। नंबर 5, अपने वक्त को अपनी नज़रों के सामने, अपने जेब में जितना करीब हो सके उतना करीब कर लेना, कैसे कर लेना। अब इसको हम जानेंगे। सर, जरूरी यह है कि हमारा साइकोलॉजी के तौर पे अपने टाइम को जाना जाए, जो है 4D। 4D क्या है? नंबर 1, डू, कैसे करें। नंबर 2, डिले, क्या छोड़ें। नंबर 3, डेलीगेट, किस तरह से दूसरों की मदद से अपने टाइम को मजीद प्रोटाइज करें। नंबर 4, डिलीट, किस चीज को डिलीट करें। अगर मैं अपने सारे सेशन को समराइज करूं तो मेरे पास आता है एक ही इसका लफ्ज, वो ये है कि अपने वक्त को अपनी नजरों के सामने अगर हो सके दीवारों पे लगा दें, अगर हो सके अपने टाइम मैनेजमेंट को कि आज मैंने क्या करना है लिस्ट बना के जेब में डालें, हो सके तो अपने वक्त को गौर करें, उसको देखें, हो सके तो अपने वक्त पे निगाह जरूर डालें। इसी तरह मेरे सेशन का होता है इख्तिताम। मजीद मेरी वीडियोज में बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट को किस तरह मजीद प्रोटाइज करें, मजीद इस पर गौर करें, मजीद इसको जाने, मजीद इसको समझें। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्द अगली वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।